चाय पीते हैं, किसी चीज को चखते हैं,
तो जो चखते हैं तो वो चीज खत्म होती है, चखने वाला तो खत्म नहीं होता। आपको शरबत दिया गया कि लीजिए चखिए, तो बताइए खत्म क्या होता है, क्या चीज होती है? शरबत खत्म होता है न कि चखने वाला। कुरान कह रहा है कि मौत जायके का नाम है, फना का नाम नहीं है। और इससे और बेहतर तरीके से, ताकि उसके बंदे वाज़े तौर पे समझे अपनी अपने रूह को और अपने आप को समझे कि देखो मौत जायका है, मौत में फना नहीं कर सकती, फना क्यों नहीं कर सकती? वजह यह है कि रूह मिन अमरे रब्बी, रूह अमरे परवरदगार से है, और जो चीज अमरे परवरदगार हो, क्योंकि खुदा का सवाल है, लिहाजा उसका अम्र भी लाजवाब है। लिहाजा कायनात की किसी शय में इतनी तवानाई नहीं जो उसके अम्र को खत्म कर सके। लिहाजा कहा मौत जायके का नाम है, मौत फना का नाम है। और इसी वजह से खुदाबंद आलम ने जहां अपने अम्र रखे हैं वही साहिबान अम्र को भी रखा, ताकि दुनिया वाले पहचान ले कि ये वो हजरात हैं जिन पे खुदाबंद आलम ने अमल पे भी हुक्मरानी अदा की है। चुनांचे किताब अवालियुल लियाली उसकी पहली हदीस है। चुनांचे रावी कौन है नहीं समझता, मां गालिबन गुरु बिन आलम मोहम्मद की शान थी। कहते हैं कि हम मस्जिद गुफा में बैठे हुए थे कि हमने देखा एक बहुत ही लहीन शहीन शख्स, फजी चेहरे वाला, सर पे अमामा लगाए हुए और कमर में दो तलवार हमायल किए हुए मस्जिद में दाखिल हुआ। और इतना खूबसूरत था, इतना लहीन शहीन था, इतना कीमती लिबास था कि जितने भी मौला के पास बैठे हुए असहाब थे सर सब गर्दने उठा उठा के देखा। कब वो आया और बड़े इत्मीनान से खड़ा होके हम लोगों की तरफ देखा और कहता है अय्युकुमुल मुस्तफा फिस शुजात व अय्युकुमुल मौजूद फिल हरम व मौजूद फिल करम। इस समय तम्मार कहते हैं कि उसकी तलवार तो दिखावे की थी, ज़बान उसकी तलवार से ज्यादा चल रही थी। जैसे उसने कहा कि तुम में शुजाओं का शुजा कौन है, तुम में शंशाह करम कौन है, तुम में मौलूदे काबा कौन है? सब कहते हैं फरफा अमीरुल मोमिनीन रासहु, मेरे मौला ने अपना सर उठाया और कहा मा लगा या अबासा बिन फज्ल बिन रबी बिन मुद्रिका बिन नजीबा बिन सल्लत बिन हारिस बिन अशद बिन समीम तौसी सल अम्मा बदा लगा फना कंदुल मरूफ वना मौजूद बिल मारूफ वना मौजूद फिल हरम अना कंदुल मरूफ वना मौजूद फिल हरम अना नबउल अजीम अना सिरातुल मुस्तकीम। सब कहते हैं जैसे ही उसने अपना कलाम खत्म किया मेरे मौला ने सर उठाया और उसके साथ पुस्तों का हवाला दे के कहा क्या हो गया है, पूछ, मैं छुपा हुआ खजाना हूँ, मैं मौजूद काबा हूँ, मैं नबे अजीम हूँ और मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। दोनों भेजने वाले और जब बात मौजूद काबा की आई तो एक रवायत करता चलूं, रावी इब्ने अब्बास है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम काबे के पास खड़े होकर खुतबा देना चाहते थे कि इतने में इब्ने अब्बास आगे बढ़े और लोगों की तरफ मुखातब होके कहा तुम लोग जानते हो ये कौन है? इमाम हसन की तरफ इशारा करके कहा कि तुम लोग जानते हो ये कौन है? उसके बाद कहा ये वो है में अभी का ये उसका बेटा है जिसके बाप के कदम में तेरे काबा को काबा बना। दुरूद भेजने वाले जिसके बाप के कदम ने काबे को शराफत बख्शी है यह उसका बेटा है, क्यों ना हो? इसी वजह से तो रसूल ने कहा कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का दिल अर्शे रहमान है। भाई बात ही ऐसी है, अली ऐसी जात ही है कि इसका कदम जहां पड़ जाए वो जगह मुबारक हो जाती है। चाहे काबा हो या मोमिन का दिल हो, काबा में अली के कदम पड़े तो किबला हो गया।
तो वो शख्स आया, जैसे मेरे मौला ने सात पुश्तों का हवाला दिया तो थोड़ा वो नर्म हुआ, मौला के सामने आके बैठा, कहा हुजूर वाला मैं 60,000 कौम की तरफ से 60,000 अफराद की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ और मैं अपने साथ एक मैयत लेके आया हूँ जिसके बारे में लोगों का इख्तलाफ है, कुछ लोगों ने कहा फला ने मारा, कुछ लोगों ने कहा फला ने मारा, आप इन अहदैतहू अगर आप उसे जिंदा कर दें फअलमना अन्नका वसीया रसूलुल्लाह, अगर आप उसे हयात दे दें तो हम ये जान लेंगे कि आप वसीया रसूलुल्लाह। जैसे उसका ये जुमला तमाम हुआ मेरे मौला ने मीसम कहते हैं मेरी तरफ रुख किया, कमीसम जाके कूफे के शहर में कूफे के गलियों में सड़कों पे ये ऐलान कर दो, मन अरादा अन यनजुर मा आता अल्लाह अलियन फलयखरुज मिन नजफ बदन, जो ये देखना चाहता है कि रब अकबर ने अली को क्या दिया है वो कल नजफ की तरफ आए। सुभान अल्लाह। तो फिर मुझसे कहा कि मेहमानों को ले जाओ खातिर तवाज़ो करो, चुनाच मैं मेहमानों को ले गया। ये सब कहते हैं जब सुबह हुई तो कूफे में कोई फाजिर फासिक मोमिन मुनाफिक कोई बचा नहीं जो आया नहीं, दोस्त तो मोहब्बत में आए, दुश्मन ये देखने के लिए आए कि ये करते क्या है। चुनांचे जब सारा मजमा आ गया तो मेरे मौला ने, ये सब कहते मेरे मौला ने मुझसे कहा अब मेहमानों को हाजिर करो, चुनांचे वो मेहमान आया, कहा तेरा मुद्दा क्या है लोगों के सामने बयान कर। उसने कहा कि मैं 60,000 लोगों का नुमाइंदा हूँ और मैं अपने साथ एक मैयत लेके आया हूँ और हम ये चाहते हैं कि आप जिंदा कर दें ताकि वो ये बताए कि हमको मारा किसने। मेरा मौला कहता है कि मैं तुझे अभी बताए देता हूँ इसे किसने मारा है, या इसको इसके चचा ने मारा है। चचा ये चाहता था कि अपनी लड़की से इसकी शादी करे लेकिन इसने कहीं और शादी कर ली, लिया था उसने कत्ल कर दिया। कहो दूर ये आपकी जबान से नहीं, हम इसकी जबान से सुनना चाहते हैं। मौला ने कहा बता ये कितने दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हुआ। वो कहता है 41 दिन पहले। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा बनी इसराइल की गाय ने 7 दिन पहले मरे हुए शख्स को जिंदा किया और बनी इसराइल के बाद हिस्से को की गाय के बाद हिस्से को यानी एक हिस्से को मस्जिद से लगाया गया तो मस्जिद जिंदा हो गई और मैं अपने बाद हिस्से से इस मस्जिद को जिंदा किए देता हूँ। और तुम्हें क्या मालूम कि अली का बाद हिस्सा भी बनी इसराइल की पूरी गाय से अफसल है। चुनांचे मेरे मौला ने हम दो सना की रसूल पे दुरूद भेजा, उसके बाद कहा अपना फहद सहू पे रिजल हिलियम, मेरे मौला ने अपने दाहिने पैर से उसे हिलाया। फकाल कुम बे इज़्निल्लाह, उसके बाद कहा उठ जा खुदा के हुक्म से। फनहज़्ज़ल गुलाम फकाल लब्बैक लब्बैक या खलीफत अल्लाह अलनाम, का मौला मैं हाजिर हुआ हाजिर हुआ, ऐ मौलाए कायनात ये कहता हुआ उठ के खड़ा हो गया और उसने गवाही दी कि मौला मेरे चचा ने मुझे मारा है। मौला कहते हैं ठीक है अब तू जा अपने कौम में वापस हो जा। वो कहता मौला अब नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैं वापस हो गया तो वो लोग दोबारा मुझे मार देंगे और वहां आप तो ना होंगे तो मुझे दोबारा जिंदा कर देंगे। तो मेरे मौला ने उस नुमाइंदे से कहा अच्छा तू वापस हो जा। कहा मौला मैं भी वापस होना नहीं चाहता, मैं आपकी खिदमत में ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अजीजो यही तो है अली की मोहब्बत, जब दिल में आ जाती है तो फिर दिल से निकलती नहीं। और यही मौला पैगाम दे रहे हैं कि देखो तुम्हें समाज में रहना है, तुम्हें माशरे में रहना है, भाइयों के साथ रहना है, अजीजों के साथ रहना है, मोहब्बत से पेश आओगे तो इंसान अपनी जिंदगी भी तुम्हारे हवाले कर देगा। और हमारे औलिया मौसिया खासाने खुदा का एक तो नया इम्तियाज रहा, उन्होंने हर जगह
जिंदगी का नमूना और तरीका बताया कि हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। भाइयों के साथ रहना है, वालिदैन के साथ रहना है, अजीजों के साथ रहना है, अकारिब के साथ रहना है। अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, वालिदैन की नाराजगी जिनहार कभी संगीत नहीं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो एक मरतबा याद आई, मेरा एक दोस्त था जो खुदा की राह में, तवज्जो रहे अजीजों मेरे जवानों, खुदा की राह में शहीद हुआ है। एक मरतबा पूछ बैठे, ए मेरे मालिक, मेरा फला दोस्त जो तेरी ही राह में दुनिया से चला गया, अब वो किस हाल में है? आवाज कुदरत आई, ए मेरे मूसा, वो जहन्नम में है। मूसा मामूली पैगंबर का नाम नहीं है, साहिब शरीयत पैगंबर मूसा। और वो कह रहे, मेरा दोस्त जो तेरी राह में शहीद हुआ, खुदा कह रहा वो जहन्नम में है। वही मूसा नरक गए, क्योंकि बहुत बड़ा मरहला है। इंसान अपने अजीज और अकारिब को न बचा सके तो कोई उम्र को क्या बचाए। मूसा वही नरक गए का माबूद, क्या ये तेरा वादा नहीं है कि जो तेरी राह में शहीद होगा वो जन्नत में जाएगा? का मूसा, तुम्हें हमारा वादा याद रहा, हमारा कानून याद नहीं रहा? मूसा, तुम्हें तो खबर है कि हम वालिदैन की नाफरमानी के साथ किसी अमल को कबूल नहीं करते, और तेरा ये दोस्त अपने वालिदैन को वसीयत पहुंचाता है। यही नहीं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बिल्कुल वालिदैन अफजल मिन अस्सलात वस्सौम वलहज वलजिहाद वलउमरा। वालिदैन की सुन्नत नेकी करना, नमाज रोजा हज ज़कात उम्र तमाम अमल। अगर ये नाराज तो फिर कोई अमल कबूल होने वाला नहीं। तो मेरा अज़ीज़ो, वालिदैन की नाफरमानी से जहाँ तक हो सके उन्हें राजी करें, किसी भी तरीके से राजी करें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि ये वालिदैन वो लोग हैं जिन्हें भी तो हासिल है। एक नाबालिग बच्चा अगर रोज़ा रखना चाहता है, जाहिर सी बात है वो उसका भी रोज़ा रखेगा, बगैर वालिदैन की इजाज़त के रोज़ा नहीं रख सकता। ऐसे ही बीवी अगर मुस्तहबी रोज़ा रखना चाहती है तो बगैर शौहर की इजाज़त के रोज़ा नहीं रख सकता। अजीज़ो, आज करता चलूँ तो चार मिनट और हो सकता है आप लोगों का लग जाए। मौलाए कायनात की ज़ात से कौन वाकिफ नहीं, और बीवी जहरा की आज़मत से कौन वाकिफ नहीं? बीबी जहरा वो ज़ात के पैगंबर अकरम एहतराम करते हुए नजर आते हैं। दोनों जुमले में मैं अर्ज़ करता चलूँ, पैगंबर अकरम के लिए कुरान क्या कह रहा है? वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल उस्वाए हसना है। और इमाम ज़माना क्या कहते हैं बीबी सैयदा के लिए? फी इब्नति रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की बेटी मेरे लिए उस्वाए हसना है। खुद अंदाजा करें कि पैगंबर इस्लाम उम्मत के लिए उम्मत के हसना है, नमूने अमल है, आइडियल है। लेकिन ज़हरा वो ज़ात है जो इमाम ज़माना के लिए नमूना है। यही नहीं, सादा के आले मोहम्मद फरमाते हैं, वो मबूती है तो कुवत होने नबी किन हद तक रबार फतेहा व फतेहा, कि उस वक्त तक किसी को खुदा बंदे आलम ने नबी नहीं बनाया जब तक उसने मेरी जद मजदा फातिमा ज़हरा की विलायत का इकरार नहीं। ऐसी बात बीबी जहरा नहीं, बीबी जहरा के फ़ज़ाइल के लिए हम जैसा नाकिस इंसान बयान नहीं कर सकता, उसके फ़ज़ाइल बयान करने के लिए अल्लाह का कलाम होना चाहिए, मोहम्मद की ज़बान होनी चाहिए, तब कहीं जाके इस बीबी के फ़ज़ाइल बयान हो सकते हैं। वक्त नहीं है कि इससे गुफ्तगू की जाए, बस एक मरहला और अर्ज कर लूँ कि बीबी जहरा क्या मोबाइले में देखिए, बीबी जहरा गई है, लेकिन खुदाबंद आलम ने बीबी जहरा के पर्दे का इतना ख्याल रखा है कि आगे नबूवत चल रही है, पीछे इमामत चल रही है। जहरा के नक्शे कदम नबूवत के नक्शे कदम पे पड़ रहे हैं, और जहरा के नक्शे कदम पे मौलाए कायनात यानी इमामत के नक्शे कदम पड़ रहे हैं।
जहरा के कदम कहां पड़ रहे हैं? नबूवत के नक्शे कदम, और जहरा के नक्शे कदम पे इमामत के नक्शे कदम पड़ रहे हैं। ए मेरे महबूब, इसका फलसफा क्या है? शायद आवाज रब्बुल इज्जत आए, ऐ नादान तुझे नहीं मालूम, तेरे रब को ये गवारा नहीं कि किसी नामहरम के नक्शे कदम पे जहरा के नक्शे कदम। इसीलिए नबूवत के नक्शे कदम पे जहरा कदम रख रही है, और तेरे रब को ये गवारा नहीं कि जहरा के नक्शे कदम पे किसी नामहरम का नक्शे कदम पड़े, इसीलिए आली नक्शे कदम में जाते जा रहे हैं। ये बात है जहरा। और ऐसी बात जिसने कभी कोई ख्वाहिश नहीं, मौलाए कायनात ने कहा कि आप कुछ कहिए, तो क्या कहा? अनार लेते हैं। यह तो बहुत सबक है हमारे औरत के लिए और खवातीन के लिए कि शौहरों से जैसी इस्तेदात है उसी एतबार से कलाम करना चाहिए। बीबी ज़हरा ने पूरी उम्र कभी कुछ माना नहीं, लेकिन जैसे ही मौलाए कायनात ने कहा कुछ आप कहिए, तो यही अदब है कि शौहर जिस चीज में राजी उसमें शौजा को राजी होना चाहिए। जैसे ही मौलाए कायनात ने कहा कुछ कहिए, वही बीबी ज़हरा कहती है अगर आप कहते हैं तो अनार ले जाए। अनार किसके लिए लेके जा रहे हैं मौलाए कायनात? उस जात के लिए जो बहुत अजीम है। और एक रवायत और कर दूं, अर्ज कर दूं कि बीबी ज़हरा का नाम फातिमा इस वजह से रखा गया लिअन्न अन्नास फतमु अन मारिफतिहा। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि फातिमा का नाम फातिमा इस वजह से रखा कि खालिक कायनात ने तमाम लोगों को आपकी मारिफत से रोक रखा। तो मालूम हुआ जो बातें जो फजीलतें जहराए मर्सिया के सिलसिले में लोगों को खबर है या बताई गई हैं वो इनकी फजीलत के बाब में गर्व पा भी। इतनी अजीम जात मौलाए कायनात अनार लेके चली। मौलाए कायनात खूब वाकिफ हैं कि जहरा की अजमत क्या है, लेकिन जैसे ही सवाल करने वाला खुदा का वास्ता देता है अनार का आधा हिस्सा देते। हम और आप होते क्या करते? वो भी ऐसी बीवी जिसने कभी कुछ मांगा ना, आपके कहने पे उसने कहा अनार लेते आए, उसके बावजूद भी जब फिर सवाल होता है दूसरा भी अनार का हिस्सा देके खाली हाथ लेके चले आते हैं। अली ये रिश्ते बताना चाहते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, हर अमल का मियार खुदा को बनाओ। अगर हर अमल का मियार खुदा बन जाएगा तो कभी सुबह नहीं होगा। यही तरीका है और यही वजह है कि जब अल्लामा अमीनी के पास एक तालिब इल्म पहुंचता है, कहता है मौलाना मैं अपने वतन जा रहा हूँ, आप कुछ नसीहत कर दीजिए, तो वो कहते हैं अरे मेरे लाल जाना चाह रहे हो तो जाओ, जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन किसी भी अमल के करने से पहले कुरान की शायद की तवज्जो रहे। अलम या क्या वो नहीं जानता कि खुदा देख रहा है? फर्ज कीजिए अगर इंसान कुछ कहना चाहता है उससे पहले अगर उसके दिल में ये ख्याल आए कि खुदा देख रहा है, तो फिर उसके बोलने का अंदाज दूसरा हो जाएगा, चलने का अंदाज दूसरा हो जाएगा, तखातुब का अंदाज दूसरा हो जाएगा, मिलने जुलने का अंदाज दूसरा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो ये देख रहा है कि अपने जहन में ये रखे हुए हैं मुझे खुदा देख रहा है। जब ये होगा जहन में रखा होगा कि खुदा देख रहा है, तो अब झूठ नहीं बोलेगा, अब फरेब नहीं पहुँचाएगा, किसी को अजियत नहीं पहुँचाएगा, किसी को मारेगा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अहले बैत यही चाह रहे हैं कि हम अपने हर अमल में खुदा को मुकद्दम रखें। यही कानून कुल्ली है, यही तरीके जिंदगी है। अहले बैत ने यही सिखाया, जब फकीर को मिस्कीन को यतीम को अहले बैत ने रोटियां दी तो क्या कहा? ला तुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे जजा भी नहीं चाहते, हम तुमसे शुक्रिया के भी तलबगार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम नुतइमुकुम
लवजिल्ला कि हमने तुमको जो इतान किया है वजह इलाही के लिए किया है। यहीं पे वही खुदा सानी अब्दुल्ला वही खुदा सानी वजह इलाही से यहीं पे इस्तिलाल करते हैं इस बात का कि चूंकि खुदा बंदे आलम को पहचानना मुश्किल है, उसी तरह से अहले बैत को पहचानना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि अहले बैत ने खुद कहा कि हम वजह इलाही। इस बात को एक मिसाल दे दूं कि अगर गिलास का पानी समंदर के पानी में मिला दिया जाए और ये आपसे ये कहा जाए कि वही पानी समंदर के पानी से निकाल दो जो गिलास में पहले था, क्या मुमकिन है कि वही पानी निकाल दिया जाए? क्या नहीं? अहले बैत ने अपने को ज़ाते वाजिब में इस तरह से ढाल दिया है कि अब पहचानना मुश्किल है कि अहले बैत की अज़मत क्या है, इनकी रफ़ात क्या है। हर अमल को खुदा के लिए अंजाम दो। जब हमारा हर अमल खुदा के लिए होगा तो फिर हमें मौत से खौफ महसूस नहीं होगा। अजीजों, इस सिलसिले में कुछ और बातें भी अर्ज करना चाह रहा था लेकिन मुझसे ये कहा गया कि कम से कम बयान हो तो बेहतर है। ज्यादा दोनों के लिए मोहम्मद की तो अहले बैत का ये तो बड़ा इम्तियाज रहा है। अहले बैत ने यही सिखाया हमें, आपको नहीं मालूम कि अहले बैत उनको चाहते कितना है। बीबी जहरा ने यही नहीं कहा जिस तरह से माँ अपने बच्चे को चाहे, बच्चा कितना भी मफलूज हो, बीमार हो, आलाद हो, कुछ भी हो, अपने बच्चे को माँ ने भी छोड़ दी। उसी तरह से जहरा ने यही कहा, ये तो नहीं कहा मैं अपने चाहने वालों की शफात करूंगी, अपने हुसैन के मालूम दारों की शफात करूंगी, ये नहीं कहा। बल्कि कहती ये है कि जब तक मैं हुसैन के गिरिया करने वाले जन्नत में न चले जाए तब तक जहरा बैठा। एक रवायत याद आ गई, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी अपनी किताब में लिखते एक रवायत नकल करते हैं कि हश्र का मैदान होगा, एक मरतबा ज़हरा अपने मकाम से खड़ी होगी, जैसे ही ज़हरा अपने मकाम से खड़ी होगी आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ बिन्त रसूल कोई हाजत है? ज़हरा कहेगी ऐ मेरे रब अहले महशर को खबर कर दे कि ज़हरा की हुसूमत क्या है, इतना सुनना था। आवाज़ कुदरत आएगी ऐ महशर वालों जो ज़हरा के चाहने वाले हैं वो सब जन्नत। रवायत आगे बढ़ती है, कुछ देर के बाद ज़हरा फिर अपनी जगह से खड़ी होती है, आवाज देती है रब्बुल इज्जत ज़हरा की अज़मत इन अहले महशर पे और वाज़ह कर दे। आवाज रब्बुल इज्जत आएगी ऐ अहले महशर जो ज़हरा के चाहने वालों के भी चाहने वाले हैं वो सब जन्नत के जाएंगे। अभी चंद लम्हे नहीं गुजरेंगे कि ज़हरा फिर अपने मकाम से बुलंद होगी। ऐ महबूब ज़हरा की अज़मत को और वाज़ह कर दे, इतना सुनना था। रब्बुल इज्जत की आवाज़ आएगी ऐ अहले महशर जिसने ज़हरा की वजह से ज़हरा के चाहने वालों पर या ज़हरा की औलाद पर किसी तरह से कोई करम किया हो, किसी ने एक लुक्मा खाना खिलाया हो, किसी ने लिबास अता किया हो, वो सब के सब जन्नत में जाए। ये है ज़हरा, ये है माँ का किरदार। अल्लाह अकबर। साहिब बयार कहते हैं जब ज़हरा का आखिरी वक्त आया तो कहते हैं ए अली मेरी औलाद तुम्हें ना सलाम कहना, और यही दस हुसैन ने करबला के मैदान में दिया। जब जब असगर का जनाजा हाथों में लिया आपको याद किया, जब सज्जाद के पास आए आपको याद किया। अजीजों, अभी तारीख गुजरी है 28 रजब की, मदीने से मस्जिद की तारीख है। अजीजों, बड़ा कोहराम मचा जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। अजीजों, चंद लम्हे हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, आए कोई हुसैन के दिल से पूछे, कोई उसके दिल से पूछे छू, जिसे ये कहा जाता कि अब तुम वतन छोड़ो, जिसे ये यकीन हो कि अब मैं अपने वतन वापस लौट के नहीं आऊंगा, कोई उसके दिल से पूछे क्या गुजर रही है। हुसैन कभी नाना के
मैडम तड़प गई, तड़प के कहती बाजा है तुम्हें तो मालूम है मैं एक लम्हा तुमसे जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं लिया। अरे तड़प के कहते हैं पहले अब्दुल्ला से इजाजत ले लो। जैनब कहती भाई क्या ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं इजाजत लेके आती हूँ। इजाजत लेके जैसे ही घर से बाहर निकलना चाहती अब्दुल्ला कहते हैं बीबी ठहर जाओ। जैनब तड़प गई कहीं ऐसा न हो। अब्दुल्ला मना करते अरे अब्दुल्ला मुझे मना न कर दो। अब्दुल्ला तड़प जाते कहे बीबी मैं मना नहीं करता, ये बच्चे भी लेते जा अपने होते तैयार होने लगा। एक एक बीवी सवार होने लगी। मुनादी ने कहा दे रहा अपनी आंखों को झुका लो। राजी कहता मैंने देखा एक अजीब शरीर बीवी है, जब आगे बढ़ी तो हुसैन खड़े हो गए। अकबर आगे बढ़े, अब बाप ने दाखिल तय किया। Hey!
दुनिया पूरा शोक हो गई है, जमाना जमाना तो मिला।